जादुई सुनहरी दुर्गा माँ की खेती। बसंतपुर गांव में हरिया और दुर्गेश्वरी नाम का एक दंपत्ति रहता था। उनके दो बच्चे थे जिनका नाम राधा और राजू था। हरिया एक मध्यम वर्गीय किसान था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी जहां वह खेतीबाड़ी करके अपनी पत्नी और बच्चों का गुजर बसर करता था। सांझ ढलते ही हरिया खेत से घर लौट आता है। अरे भगवान, जल्दी से पानी तो पिला दो। ये लीजिए पानी। क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना कुमलाया क्यों है? क्या बताऊं भाग्यवान, भरसक मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी हमारे खेत में उतनी भली फसल नहीं हो पाती। महीनों खेत की जुताई बुवाई के बावजूद भी बेहतर आमदनी हाथ नहीं आती। जो कुछ मिलता है वो पेट पालने में ही खर्च हो जाता है। अजी, सुख दुख तो जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। हेवाय के हौसले के ना छोड़िए, कल से माँ दुर्गा की नवरात्रि शुरू हो रही है। मैं 9 दिन के उपवास के साथ माँ को घर में स्थापन करूँगी। देखना, माँ दुर्गा हमारी मनसा को जरूर पूरी करेंगी। मगर दुर्गेश्वरी, माँ दुर्गा की मूर्ति का दाम बुलंदियों पर है, ऐसे में हम गरीब माँ दुर्गा की मूर्ति को कैसे मोल लेंगे? अजी ढांढस बांधिए, मैं अपने खेत की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर उन्हें ही घर में स्थापित करूंगी। सवेरे ही मैं खेत से मिट्टी ले आई हूँ। सभी खा पी कर सो चुकने के बाद दुर्गेश्वरी देर रात खेत की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति की रचना करती है। अगले सवेर दुर्गेश्वरी पूर्ण श्रद्धा से माँ दुर्गा की स्थापना करके कहती है, हे जगत जननी माँ दुर्गा, सुना है जो नवरात्रि के दिनों में निष्ठा से आपकी उपासना करता है, आप उनके कष्टों का निवारण करती हैं। अपनी दिन दुखियारी भक्त की गुहार भी सुन लो माँ। हरिया खेत पर चला जाता है। तभी सांझ ढलते वह कहती है, सांझ हो गई माँ दुर्गा की, दिया बाती की बेला हो चली है। दुर्गेश्वरी दिया ही जला रही थी कि हरिया चौखट की दहलीज पार करके घर में दस्तक देता है। अजी आप आ गए? हरिया को देखकर उसके दोनों बच्चे राधा और राजू उससे चिपटते हुए कहते हैं, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी आप खाली हाथ आ गए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बाबूजी, मुझे भी खाना चाहिए। अपने पति हरिया को हताश देखकर दुर्गेश्वरी कहती है, राजू राधा जाओ जाकर खेलो, मैं खाना बनाकर बुलाती हूँ। ठीक है माँ। बच्चों के जाते ही हरिया की आंख से आंसू की बौछार बरस पड़ती है। कितना बेबस हो गया हूँ मैं, भूख से बिलबिलाते अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता, न उनके लिए भरसक भोजन जुटा सका, न तुम्हारे लिए फलाहार ला पाया। अरे धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। अजी संभालिए खुद को, माँ दुर्गा पर भरोसा रखिए, वह इस सुकड़े सफर में हमारे साथ खड़ी हैं। थोड़ा बहुत आटा है, मैं रोटियाँ बना देती हूँ, बच्चों और आपकी भूख मिट जाएगी, और मेरा तो उपवास है। दुर्गेश्वरी रोटी बनाकर नमक के साथ अपने बच्चों और पति को परोसती है। उनके सो चुकने के बाद वह देर रात माँ दुर्गा के पाँव पर माथा धर कर कहती है, हे माँ दुर्गा, ये दुखों का पहाड़ अब मेरी सब्र की सीमा को कमजोर कर रहा है। आज तो जैसे तैसे सिमट गया, मगर कल का क्या माँ, अपनी बेटी की बिगड़ी बना दे माँ। दुर्गेश्वरी आंसू बहाते हुए सो जाती है। तभी एकाएक उसे माँ दुर्गा का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो दुर्गेश्वरी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माँ दुर्गा साक्षात मुझ दिन दुखियारण से मिलने आई हैं, ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं। बेटी, जब तुम सत्य को जान लोगी तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम मेरी सर्वोपरि भक्त हो, इतने दुख दुविधाओं को देखने के बावजूद भी तुम्हारा मेरे प्रति की गई आस्था में कोई भी डील डॉल ना आया, इसलिए मैं तुम्हें ये सुनहरे ज्वार के दाने देती हूँ। इसे ले जाकर अपने बंजर खेत में बो देना, सप्ताह भर के भीतर ही तुम्हारा खेत सुनहरी खेती से सराबोर हो जाएगा। यह बोलकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और दुर्गेश्वरी आंख खोलते ही चकित हो जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष मिट्टी के बर्तन में दूब के बीच वही सुनहरे ज्वार के दाने रखे होते हैं।
सवेरा होने पर वह खेत पर आकर कुछ सुनहरे ज्वार के दाने की बुआई कर देती है। जैसा माँ दुर्गा ने मुझे निर्देश दिया था, मैंने इन बीजों को बो दिया। अब बस फसल आना बाकी है। प्रत्येक नवरात्रि के दिन के बीतने के साथ उसकी बेताबी बढ़ती जाती है और देखते देखते नवरात्रि का नौवा दिन दस्तक देने वाला होता है। माँ दुर्गे, आपके शब्द के अनुसार उन बीजों की बुआई को कल एक सप्ताह हो जाएगा। कल नवरात्रि का नौवा दिन है। कन्याओं के कंजके का प्रबंध उस खेती पर ही निर्भर है माँ। अपनी गरीब भक्त की लाज तुम्हारे हाथ में है माँ। सवेरे दोनों दंपत्ति उस खेत में दस्तक देते हैं तो खेत की प्रत्येक क्यारियां हरी भरी दूबों से घनघोर घिरी होती हैं, जिसके बीच माँ दुर्गा की सोने की मूर्तियों की खेती हुई होती है, जिसमें माँ के स्वरूप की संरचना जमीन के ऊपर और आधा हिस्सा मिट्टी में सना होता है। ये देखकर हरिया हैरतअंगेज होकर कहता है, अरे हमारे खेत के हर एक छोर में माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों की खेती कैसे हो गई? ये सब माँ दुर्गा की माया है। अचानक जादुई सुनहरी माँ दुर्गा की खेती के बीच दुर्गा माँ अष्टभुजा के स्वरूप में प्रकट होती हैं। हरिया दुर्गेश्वरी, मैंने तुम्हें जादुई सुनहरी माँ दुर्गा की खेती का वारिस बनाया है, मगर ध्यान रहे, जब तुम इन जादुई सुनहरी माँ दुर्गा की मूर्ति को खेत के बीच से निकालना तो मेरी प्रतिमा खंडित ना होने पाए। आज सारा जगत मुझे अपने घर से विदाई देगा, मगर मैं तुम्हारी बाट जोहूंगी। माँ दुर्गे, आपकी ये भक्त आपको सुनहरी विदाई देगी। माँ दुर्गा के ओझल होने के बाद दोनों दंपत्ति सावधानी पूर्वक माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों को खेत से अलग करके उन्हें घर ले आते हैं। दुर्गेश्वरी, माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों को बेचकर माँ दुर्गा को विदाई देने का प्रबंध करके आता हूँ। थोड़ी ही देर में हरिया उन सुनहरी माँ दुर्गा की मूर्तियों को बेचकर सामान लेकर घर आता है। दुर्गेश्वरी माँ दुर्गा को हलवे पूरी का प्रसाद अर्पण करके हर्षोल्लास से नौ कन्याओं को कंजके खिलाकर उन्हें श्रृंगार का साज सामान कपड़े इत्यादि देती है। तभी उसकी सखी कंचन वहाँ आती है। दुर्गेश्वरी मेरी मदद करो, मैंने बड़े आस्था से माँ को घर बुलाया था, मगर मेरे पास उन्हें विदाई देने के लिए एक पाई नहीं। दुर्गेश्वरी कंचन को अपने जादुई सुनहरे माँ दुर्गा के मूर्ति की खेत पर लाती है। माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों की खेती, ये सच है या सपना? ये 100% सच है कंचन। आगे बढ़कर माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियों को खेत से अलग करके अपनी श्रद्धा को परिपूर्ण करो, मगर ऐसा करते वक्त मूर्तियाँ खंडित ना होने पाए। कंचन मिट्टी से दो जादुई माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्तियाँ निकाल कर कहती है, इस एक सुनहरी मूर्ति को मोल देकर मैं माँ दुर्गा की विदाई बड़े धूमधाम से कर लूंगी, और ये दूसरी दुर्गा माँ की सुनहरी मूर्ति मैं सदा के लिए अपने घर में स्थापित करूंगी। माँ दुर्गा तुम दोनों दंपत्ति का जीवन खुशियों से भरपूर करें। कंचन के जाने के बाद दोनों दंपत्ति कहते हैं, भगवान, माँ दुर्गा की बदौलत हम इस जादुई खेती के वारिस बन गए। हमारे गांव का एक बड़ा तबका घनघोर गरीबी से जूझ रहा है, क्यों ना उनकी मदद की जाए। हाँ जरूर, इस दफा बचे हुए सुनहरे ज्वार के बीज की बुआई से जो फसल होगी उसे हम हर एक निवासी को माँ दुर्गा की सुनहरी मूर्ति की खेती से उनकी भरसक मदद करेंगे। दोनों दंपति माँ दुर्गा का नाम लेकर पूरे खेत में उस सुनहरे ज्वार के बीज को बोते हैं। सप्ताह भर के भीतर ही सारा खेत जादुई दुर्गा माँ की सुनहरी मूर्तियों की खेती से सराबोर हो जाता है, जिसे वह गांव गढ़ को सहयोग देते हैं। अंत में दुर्गेश्वर कहती है, माँ दुर्गा, आज आपके सुनहरी स्वरूप की खेती के बदौलत हमारे बसंतपुर गांव से बदहाली के बादल सदा के लिए छट गए। आपका शुक्रिया जगत जननी। अक्सर शानो शौकत बदलने के बाद इंसान अहंकारी हो जाता है, मगर दुर्गेश्वरी माँ दुर्गा को सफलता का श्रेय देना नहीं भूलती। जादुई दुर्गा माँ के सुनहरी खेती हर साल नवरात्रि के नौ दिनों के बीच केवल दो दफा अस्तित्व में आती है, जिसे वह बेबस बेसहारों की मदद करते थे। समय होता है, गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इतने घनघोर सन्नाटे में आसमान में एक भूतिया गाय के ऊपर बैठकर
चुड़ैल उड़ती हुई गांव की तरफ आ रही होती है। चल मेरी गौरी, आज हम इस गांव के जानवरों को इन गांव वालों की गिरफ्त से दूर ले जाएंगे। तभी चुड़ैल की भूतिया गाय उड़ती हुई गांव की धरती पर उतरती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव के सभी लोगों के घर के बाहर बंधे हुए जानवरों को खोलना शुरू करती है। धीरे धीरे चुड़ैल सभी जानवरों को आजाद कर देती है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। हुड़ 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 हद हद हुड़। अचानक से गांव के अंदर इतने सारे जानवरों की आवाज सुनते ही गांव के कुछ लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने जानवरों को देखने के लिए अपने घर से बाहर आते हैं। अरे अरे, ये क्या, हमारी सभी गाय भैंस कहाँ गई? अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? तभी नरेंद्र अपने घर से बाहर निकलता है और मोहन को इस तरह घबराते हुए देखता है। ओहो, क्या हुआ मोहन भाई साहब, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं कोई परेशानी तो नहीं आन पड़ी? अरे भाई नरेंद्र, परेशानी परेशानी है, मैंने अपनी सभी गाय भैंस को घर के बाहर खूंटे से बांधा था, लेकिन अब एक भी गाय भैंस दिखाई नहीं दे रही है। लगता है कानू हमारी गाय भैंस को चोरी करके ले गया है। राम, भला ऐसा कौन कर सकता है, इस गांव के अंदर तो हर किसी के पास खुद की गाय भैंस है। अरे मुझे अभी दोबारा से गाय भैंसों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, एक काम करो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर अपनी गाय भैंस को ढूंढते हैं। नरेंद्र मोहन के साथ आवाज के पीछे पीछे चलने लगता है। देखते ही देखते वो अपनी गाय भैंस के पास पहुंच जाता है। अरे नरेंद्र भाई साहब, जरा देखो वो रही मेरी गाय भैंस, और तो और उनके बराबर में तुम्हारी भी गाय भैंस खड़ी है। देखा, मैंने कहा था ना, कोई हमारे गांव से हमारी गाय भैंस की चोरी कर रहा है। मोहन इतना कहता ही है कि उसके सामने एक भयानक चुड़ैल अपनी उड़ने वाली गाय के ऊपर बैठकर उसके सामने प्रकट होती है, जिसे देखते ही मोहन के हक्के बक्के छूट जाते हैं। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो भयानक चुड़ैल है। भला एक चुड़ैल गाय के ऊपर कैसे उड़ती हुई आ सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए कहती है, हा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी जानवरों को अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी आपस में बात करने लगते हैं। अरे मेरी लीला और मेरी शीतल, अरे दोनों गाय वो चुड़ैल ले गई, अरे पता नहीं उसने मेरी गाय के साथ क्या किया होगा। मुखिया साहब, वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है, भला उसे इस गांव के जानवरों से क्या मिलेगा? अरे इसमें मुखिया साहब क्या करेंगे, ये तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी थी जो तुम अपने जानवरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। देखो तुम सभी शांत हो जाओ, मैं कुछ न कुछ करके इस परेशानी का समाधान जरूर करूंगा। उस दिन के बाद से गांव में जब भी कोई जानवर आता तो चुड़ैल रात के समय अपनी भूतिया गाय के ऊपर आसमान में उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती और उस जानवर को अपने साथ भी ले जाती। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दिन मुखिया अपनी धर्मपत्नी कौशल्या से कहता है, अरे कौशल्या, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरा सिर दबा, ये गांव में जानवरों के गायब होने की दिक्कत ने मुझे हिला कर रख दिया है, अब मैं अपना बिजनेस शहर के लोगों से कैसे करूंगा। कौशल्या चुपचाप तेल लेकर आती है और मुखिया के सर पर लगाते हुए अपने मन ही मन सोचती है, अगर तुमने कुछ गलत न किया होता तो वो चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के साथ उड़कर यहाँ नहीं आई होती। अरे कौशल्या, तुमने मुझसे कुछ कहा है क्या? भला मैं क्यों आपसे कुछ कहने लगी, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए, मेरी मानो तो किसी तांत्रिक या गौरी बाबा से मिल लो और वही इस परेशानी का समाधान कर सकते हैं। कौशल्या की बात सुनकर गांव का मुखिया जंगलों के अंदर एक अघोरी बाबा के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताता है। दरअसल मुझसे मेरे भूतकाल में गलती हो गई, मैंने एक बेगुनाह जानवर और एक औरत की हत्या कर दी। ये उस समय की बात है जब कमला भीख मांग कर अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन उस बेचारी को कोई भीख नहीं देता। एक दिन वो जंगल में अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के सभी लोग जंगल के अंदर एक जगह पर कूड़ा कचरा का करते थे। उस कूड़े कचरे में कमला अपने लिए खाना ढूंढ रही थी और जो भी उसे मिल रहा था वो उसे खा रही थी। तभी उसे किसी गाय के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है कोई जानवर यहाँ परेशानी में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। कमला जानवरों से बहुत प्यार करती थी, उसे इंसानों पर इतना भरोसा नहीं था जितना उसे लगाव जानवरों से था। कमला को जंगल के अंदर एक अनोखी गाय दिखाई पड़ती है जिसके दो पंख होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है,
आखिर ये गाय यहाँ जख्मी हालत में कैसे पड़ी है? कमला तुरंत जंगल के अंदर से कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके उनका लेप उस बेचारी गाय के जख्मों पर लगा देती है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो गाय ठीक हो जाती है। अब तुम बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त हो गई हो, अब तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, कमला उसे जाने के लिए कह देती है। लेकिन फिर भी वो पंख वाली गाय कहीं नहीं जाती और उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। कमला कूड़ा कचरे में से कुछ खाना ढूंढती है और गाय को खाने के लिए देती है, लेकिन उस गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके गिरे हुए आंसुओं से वहाँ खाना प्रकट हो जाता है। इतना स्वादिष्ट खाना, लगता है ये कोई मामूली गाय नहीं है, ये तो जादुई गाय है। कमला उसके ऊपर बैठ जाती है, जिसके बाद वो गाय अपने आप उड़ने लगती है। गाय की सवारी करके कमला को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद कमला के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास उड़ने वाली गाय है तो क्यों ना मैं इसकी मदद से लोगों को सवारी करवा के कुछ पैसे कमा लूं। ये सोचकर कमला पहले गाय से इसके बारे में पूछती है, जिसके बाद गाय खुशी खुशी अपने सिंह हिला देती है। उस दिन के बाद से कमला अपनी उड़ने वाली गाय के ऊपर गाँव के लोगों को सवारी करा के उनसे पैसे लेना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसकी जिंदगी अच्छी खासी चलने लगती है और अब वो खुशी खुशी रहने लगती है। तुमने क्या किया उसके साथ? अरे मार दिया मैंने उन दोनों को, मार दिया। इस पूरे गांव में मेरे जितना अमीर कोई नहीं, वो मुझसे ऊपर जा रही थी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। वही दूसरी तरफ मेरा एक और कसूर है, मैं गांव के जानवरों पर बहुत अत्याचार करता हूँ, जिसके चलते वो सभी जानवरों को गाँव से लेकर जा रही है। देखो जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी, वो चुड़ैल तुम्हारा और इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। आज की रात मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा। अघोरी की बात मानकर मुखिया वापस अपने गांव लौट जाता है और रात होते ही अघोरी गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने मंत्र के उपचार से चुड़ैल को वहां बुलाता है और उसे कहता है, बीते हुए कल मैं बहुत कुछ बुरा हुआ है तेरे साथ, लेकिन अभी तू इन सबको भूल जा। तो इस मुखिया को सजा देने के चक्कर में पूरे गांव को सजा दे रही है। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आई थी, एक हादसे में मेरा पूरा परिवार चला गया था, उसके बाद मैं बहुत गरीब हो गई, फिर मुझे यह अनोखी गाय मिली, इसने मुझे जीना सिखाया। अगर मुखिया मुझे मार देता तो ठीक था, लेकिन इसने मेरी गाय को भी मार दिया। अब मैं इसकी मौत से ही अपना बदला लूंगी। किसी को एक बार मारने से उसकी सजा बहुत कम हो जाती है। गांव वालों को मुखिया का सच पता चल गया है, उन्होंने मुखिया के खिलाफ रपट लिखवाई और उसे गिरफ्तार करवा दिया। मुखिया अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा, इससे बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। अघोरी की ये बात सुनकर चुड़ैल को संतुष्टि मिलती है, जिसके बाद वो अपनी भूतिया उड़ने वाली गाय के ऊपर बैठ कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। टन टन पेश है गर्मा गर्म पकौड़े फॉर यू माई डियर मदर इंडिया। क्या बात है, जिसके लिए उसका खुद का पेट पहाड़ है, आज वो माँ के पकौड़े बनाकर लाई है। माँ आप ही तो हमेशा कहती है कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, तो बस आज मैंने मौसम का बदला मिजाज देखकर पकौड़े तल दिए। अब बड़ाई करना बस भी कर और पकौड़े परोस तो सही। आराध्या प्लेट में पकौड़े परोसती है। जैसे ही सावित्री पकौड़े का पहला कौर अपने गले से नीचे उतारती है, उसकी आंखें आंसुओं से सराबोर होने के साथ उसकी जुबान से सी सी निकलती है। ये पकौड़े हैं या पनौती, अरे कितना तेज तीखी मिर्ची उड़ेली है, मिर्ची के मारे मेरी जुबान जल गई। उफ ये मिर्च, गनीमत है इस पानी ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी तेज मिर्ची ने तो मुझे पार घाट पहुँचा ही दिया था। माँ तिल का ताड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे, जरा सी तो मिर्च है, मुझे देखो पल भर में ही सारे पकौड़े खा गई मैं, वो भी मिर्च की चटनी के संग। अरे तुझे कहाँ से मिर्च लगेगी भला, तेरी जुबान ज्वालामुखी जो ठहरी। गुजरते दिनों के साथ आराध्या की शादी की खातिर तन्मय नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार समेत उनके घर चलकर आता है, जहाँ लड़के की माँ ज्वाला कहती है, अरे नमस्ते जी। जी जी आइए, मेरे घर में आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है, बिराजिए। आराध्या बिटिया, अतिथियों के खातिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो भाई। आराध्या अपनी माँ के समझाए अनुसार उन तीनों का स्वागत सत्कार करती है, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करते हैं और ज्वाला कहती है, बहन जी आपकी बेटी के नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं, एकदम कश्मीरी मिर्च की तरह। जी शुक्रिया सासू माँ, क्योंकि आपने मेरी तारीफ तेज तीखी मिर्च से जो की है। दिन सप्ताह और महीने भर में तब्दील हो जाता है, जिसके साथ शादी की सुंदर बेला दोनों के घरों में दस्तक देती है। सात फेरों के साथ आराध्या और तन्मय शादी के बंधन में बंध जाते हैं और शुरू होता है आराध्या के ससुराल का सफर। शादी की रात तन्मय आराध्या को तोहफा देता है। तन्मय तुम्हें और कोई तोहफा नहीं मिला था क्या, जो तुम ये चाबी चॉकलेट उठा लाए? आराध्या
लड़कियां तो बड़े ही चाव से चॉकलेट खाती हैं। तुम पहली लड़की हो जो चॉकलेट देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही हो। Yes, because of, मुझे मीठा नहीं तीखा पसंद है। ये सुनकर तन्मय बुदबुदाते हुए कहता है, सुहाग रात पर भी स्पाइसी खाने की पड़ी है। तन्मय, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारा ये स्पाइसी शौक बड़ा स्वीट है। अगले दिन आराध्या संध्या के साथ उठकर सारे कामकाज करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है। आज मेरी पहली रसोई है, खाने में मिर्च मसाले का ऐसा तड़का लगाऊंगी कि सासू माँ से लेकर ससुर जी भी फैन हो जाएंगे। इसके बाद आराध्या खाना बनाना शुरू करती है और तकरीबन 2 घंटे बाद, शुक्र है खाना तो तैयार हो गया, अब बस तीखा तड़का लगाना बाकी है। जल्दी से बारीक मिर्ची काट लेती हूँ। आराध्या जैसे ही दाल में तड़का लगाती है, मिर्च की छांक से सभी छींकते हुए बाहर आते हैं। अरे बहू, ये क्या छौंक है, कैसा है? अरे आराध्या, ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे घर में मिर्च की महक उठ गई है? दोनों बाप बेटे सुबह सवेरे मेरी बहू के पीछे पड़ गए। एक तो बिचारी ने इतने शौक से खाना बनाया है। बहू तू खाना सर्व कर, इतने हम तीनों फ्रेश होकर आते हैं। तीनों खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही खाने का कौर बहादुर और तन्मय के गले से नीचे उतरता है, उनकी जुबान से जोरदार चीख निकलती है। अरे मर गया, अरे हरी भगवान, पानी पकड़ाओ। अरे अरे पिताजी, इस पानी की जरूरत आपसे ज्यादा आपके बेटे को है। उफ, उफ, ये मिर्ची, हाय हाय ये मिर्ची। दोनों बाप बेटे पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं और बहादुर बोलता है, अरे बहू, ये सब्जी है या जहर? इतनी तेज मिर्ची कौन खाता है? अरे जुबान जल गई, मिर्च के मारे मेरे कानों से तो धुएं का धमाका हो रहा है। तुम दोनों बाप बेटे की जुबान 2 घड़ी बंद नहीं रह सकती। अरे खाने में मिर्च मसाले ही नहीं होंगे तो खाना मजेदार कैसे बनेगा? तुम्हारा बस चले तो तुम मिर्च का बागान बना दो। तू इनकी फिक्र मत कर, एकदम मस्त मजेदार खाना था। ये ले तेरा शगुन, हम दोनों का खान पान इतना मेल खाता है। बहू को भी तीखा पसंद है और मुझे भी। तेज मिर्ची होने के चलते बाप बेटे अधूरा खाना खाकर दफ्तर चले आते हैं। गुजरते समय के साथ सास बहू के तीखा खाने की आदत बेहद बड़े तख्त पर पहुंच जाती है। सासू माँ, रसोई में कोई भी साग सब्जी नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मगर वो कैसे माँ जी? अरे बहू, साग सब्जी लाने बाजार जाना होगा, बहुत दिन हो गए तीखा खाए। आज दोनों सास बहू जी भर कर तीखे का तड़का लगाएंगी। दोनों सास बहू बाजार जाती हैं, जहाँ गोलगप्पे देखकर वो कहती हैं, ये गोलगप्पे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। वैसे भी पुरनिये कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों सास बहू गोलगप्पे वाले के पास आती हैं और आराध्या कहती है, अरे ओ भाई साहब, जरा गोलगप्पे खिला दो। अरे काहे नहीं बहन जी। गोलगप्पे खाते हुए वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहती है, अरे गजोधर, ये गोलगप्पे हैं कि गुड़गोबर? पानी तो एकदम विधवा प्रतीत हो रहा है, ना रंगत है ना मिर्च। अरे गोलगप्पा का मजा तो तब आता है जब मिर्च मसाले हो। गोलगप्पे कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। आराध्या और ज्वाला गजोधर के गोलगप्पों में मिर्च मिलाकर एक दूसरे को सर्व करती हैं। गोलगप्पे का मजा तो तब आता है जब गोलगप्पे तीखे और मिर्च से भरे हों। देखते ही देखते दोनों सास बहू गपा गप अनगिनत गोलगप्पे खाती हैं। ऐसे ही जब कभी सास बहू साथ में बाजार जाती तो अक्सर मिर्चदार मोमोज, गोलगप्पे जैसी तीखे चीजों का चयन करती थी। एक सप्ताह बाद, माँ जी आज अचानक मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन है। इसमें सोच विचार करने की क्या बात है बहू, आज हम रात के खाने में मोमोज और ग्रीन चिली की चटनी बना लेते हैं। दोनों सास बहू एक साथ रसोई घर का रुख करती हैं। तभी उनके पति टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे बहू, अब तक तुम सास बहू का खाना नहीं बना क्या? खाना तैयार है। अरे ये कैसा बेतों का खाना बनाया है, ये चंगेजी चाइनीज खाएंगे हम क्या? देखो जी, इस मोमोज के सिवा हमने और कुछ नहीं बनाया, एक बार ये मोमोज खाकर तो देखो मजा आ जाएगा। कोई चारा न बसने बेचारे बाप बेटे सिसकते हुए जैसे तैसे एक आधे मोमोज खाते हैं। गुजरते समय के साथ तीखे खाने से उनके पति पूरी तरह परेशान होकर एक रोज कहते हैं, अरे प्रतिदिन के साथ इन दोनों सास बहू के मिर्च मसाले का सेवन बढ़ता जा रहा है। हाँ पिताजी, हमको कुछ करना होगा जिससे कि सांप में मर जाए और लाठी भी न टूटे। एकाएक तन्मय की जुबान पर जोलो चिप्स का नाम आ जाता है। वो 2 पैकेट ऑर्डर करता है। माँ आराध्या, यहाँ तो आना। हमें बुलाया? अरे आप दोनों को तीखा खाने का बड़ा शौक है ना? अरे बेशक, तीखापन ही तो खान पान की जान है। ये लीजिए, इन पैकेट के अंदर जोलो चिप्स हैं, जो बहुत तीखी हैं। अगर आप दोनों ये चिप्स खत्म कर देती हैं, तो हम आपके तीखे खाने पर अपना बोलबाला बंद कर देंगे। अगर हम बाप बेटे ये शर्त जीत गए तो तुम सास बहू को ये तीखा खान पान ताउम्र के लिए छोड़ना होगा। हमें मंजूर है। जैसे ही दोनों सास बहू मिर्च से सराबोर चिप्स को खाती हैं, वो स्तब्ध रह जाती हैं। अरे बेटा, ये सास बहू इतनी शांत क्यों है? ये तूफान से पहले की शांति है पिताजी। तन्मय प्लीज पानी दे दो। अरे रे, ये चिप्स है कि जहर। अरे गर्दन और जुबान ज्वालामुखी के जैसे जल रही हैं। मिर्च के मारे दोनों सास बहू के रूप की रंगत का काया पलट हो जाता है। दोनों जग भर कर पानी पीती हैं। कुछ देर बाद, अब पता चला तेज तीखे मिर्च का मजा। अजी हमें माफ कर दो, तेज तरार मिर्च ने हम सास बहू की बेअकली के पर्दे खोल दिए। हाँ ससुर जी,
अब से स्पाइसी खाना बंद। इस तरह अंत में स्पाइसी खाने वाली सास बहू को जोलो चिप्स के जोरदार मिर्च से सबक मिल जाता है, जिससे उनका तीखा खाने का स्वाद साधारण खाने में शुमार हो जाता है। एक औरत रसगुल्ले का ठेला लेकर रसगुल्ले बेच रही है। रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले ताजा ताजा मीठे मीठे रसगुल्ले ले लो। आओ बच्चों, रसगुल्ले ले लो। आंटी आंटी मुझे भी दो रसगुल्ले दे दो ना। ये लो बेटा, ये दो रसगुल्ले मेरी तरफ से। शुक्रिया आंटी, ये तो बहुत अच्छे है। बच्चा उस औरत से रसगुल्ले लेकर चला जाता है। इसी तरह वो औरत उस गांव में रोज आकर सिर्फ बच्चों को रसगुल्ले दिया करती है। ऐसे ही एक दिन एक आदमी उससे रसगुल्ले लेने आता है और कहता है, जरा सुनिए, अरे एक डिब्बा रसगुल्ला मुझे भी दे दो। नहीं नहीं, ये रसगुल्ले बच्चों के लिए है, खास तौर से, बड़ों के लिए नहीं। अरे तुम बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हो, इसलिए दे दो। मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ बच्चे खा सकते हैं, ये बच्चों की चीज है। इतना कहकर वो रसगुल्ले वाली औरत अपना ठेला लेकर चली जाती है। अगले दिन रसगुल्ले वाली को देखकर बच्चे भागते हुए आते हैं और उसे रसगुल्ले खरीद कर बड़े चाव से खाते हैं। वो रसगुल्ले वाली जिन बच्चों को अपने रसगुल्ले खिलाती थी, उन्हीं को वो गायब भी करती थी। ऐसे ही एक रात वो चुड़ैल अपने असली रूप में आकर एक बच्चे के घर में घुसकर कहती है, बड़े प्यार से तुमने मेरे रसगुल्ले खाए थे, है ना? तो अब आओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। चुड़ैल इतना बोलकर उस बच्चे पर जादू कर देती है और वो बच्चा अपने होश खोकर अपने हाथ आगे करके चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगता है। चुड़ैल उसे लेकर गुफा तक पहुंच जाती है। चुड़ैल रातों रात उन बच्चों को गायब करने लगती है जिन्हें वो अपने रसगुल्ले खिलाती है। ऐसे ही एक दिन दो तीन औरतें रोते हुए सरपंच के घर पहुँचती है और कहती है, अरे सरपंच जी, सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए, 10 दिन से मेरा बेटा गायब है। मुझे लगा कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन इतने दिन में तो उसका कुछ अता पता नहीं है। सरपंच जी, मेरे बेटे को ले आइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ सरपंच जी, मेरा बेटा भी कल रात से गायब है, मैंने अपने साथ ही सुलाया था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ गया। हाँ सरपंच जी, कृपा करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए, पता नहीं वो किस हाल में होगा। सोचने वाली बात है, आखिर रातों रात तुम सबके बच्चे कौन ले जा सकता है? कहीं कोई बच्चों को चुरा तो नहीं रहा? सरपंच जी, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है, मेरा बेटा तो गायब नहीं हुआ है। जिनके बच्चों ने रसगुल्ले खाए हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चे गायब हुए हैं। हो ना हो इसके पीछे कोई तो गुत्थी है जिसे सुलझाना पड़ेगा। वहाँ खड़े गांव के सभी लोगों में से एक विक्रम नाम का लड़का था जो इन सब बातों को सोचकर कहता है, ये औरत बिल्कुल ठीक कहती है, जरूर कोई तो बात है, उस रसगुल्ले वाली पर मुझे नजर रखनी चाहिए। अगले दिन वो रसगुल्ले वाली चुड़ैल आती है, विक्रम की उसी पर नजर होती है और वो उसके पास आकर कहता है, सुनिए, मैंने आपके बनाए हुए रसगुल्ले के बारे में बहुत सुना है, क्या मैं खा सकता हूँ? जी नहीं, मैं सिर्फ बच्चों को ही देती हूँ। रसगुल्ले वाली के इतना कहते ही विक्रम की नजर उसके पांव पर जाती है जो कि उल्टे होते हैं। तभी वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। घर जाकर विक्रम अपनी पत्नी मोहिनी से पानी मांगता है। तभी मोहिनी बोलती है, सुनिए जी, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। थोड़ा हूँ, वो चुड़ैल सिर्फ बच्चों को ही रसगुल्ले खिलाकर रात में गायब करती है। क्यों ना मैं भी अपने बेटे ऋषभ को उसी पर रसगुल्ले लेने भेजूं, जिससे मैं उस चुड़ैल तक भी पहुंच पाऊंगा और उन बच्चों को छुड़ाकर भी ले आऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। ऋषभ बेटा, जरा इधर आना। हाँ पापा। कल आपको रसगुल्ले वाली आंटी से रसगुल्ले खाना है, ठीक है? आपने कभी खाया नहीं है ना? हाँ पापा, कभी नहीं खाया। विक्रम के इतना कहते ही अगले दिन उसका बेटा रसगुल्ले वाली से रसगुल्ले जाकर खा लेता है। विक्रम ये बात अपनी पत्नी मोहिनी को बता देता है। तभी गुस्से से मोहिनी बोलती है, विक्रम जी, आपने ये ठीक नहीं किया। जब आपको पता था कि वो चुड़ैल सबके बच्चों को गायब कर रही है, तो आपको क्या जरूरत थी हमारे बच्चे को भी उसी कुएं में धकेलने की?
अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने बहुत सोच समझ कर किया ताकि उस चुड़ैल का मैं पता लगा सकूं और उन बच्चों को भी आजाद करा पाऊं। मोहिनी विक्रम की बात मान जाती है और दोनों सोने का नाटक करते हैं। तभी चुड़ैल आकर बोलती है, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। चुड़ैल इतना बोलकर अपने हाथ से उस बच्चे पर जादू कर देती है और वो बच्चा अपना होश खोकर उसके पीछे चलने लगता है। तभी मोहिनी और विक्रम दबे पांव कंबल ओढ़कर बाहर निकलते हैं और कहते हैं, विक्रम जी मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमारा बेटा सुध-बुध खोकर इसके पीछे पीछे जा रहा है। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना कुछ नहीं होने देंगे अपने बच्चे को, ये सिर्फ उसका एक जादू है। ये बोलकर दोनों मशाल लेकर चुड़ैल का पीछा करते हुए गुफा तक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। चुड़ैल ऋषभ को भी जाल में बांधकर हवा में लटका देती है। ये देखकर मोहिनी का दिल दहल जाता है, जिससे उसकी चीख निकलती है कि विक्रम उसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, नहीं नहीं मोहिनी, हम कोई भी जोखिम नहीं ले सकते, हमारे बेटे के साथ और भी मासूम बच्चों की जान जुड़ी है। माफ कर दीजिए विक्रम जी। धीरे धीरे दोनों छुपकर और अंदर चलते हैं, जहां वो देखते हैं कि बाकी गांव वाले के बच्चे बेहोश कुछ हवा में लटके तो कुछ जमीन पर पड़े हुए हैं। तभी विक्रम कहता है, मोहिनी हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें गांव वालों की मदद लेनी ही होगी, इसलिए तुम जाकर सभी लोगों को हाथों में मशाल लेकर अंदर आ जाओ। जी मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर मोहिनी चली जाती है। तभी ऋषभ जाग जाता है और अपने आसपास की जगह पर अपने साथियों को देखकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं उठता। तभी वो रोते हुए कहता है, ये कहाँ आ गया मैं, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, मुझे घर जाना है, ये मेरे दोस्त ये सब यहाँ पर कैसे आ गए? मम्मी पापा के पास जाना है, लेकिन अब तो तुम नहीं जा पाओगे, ना तुम्हारे दोस्त जा पाएंगे, और तुम सबको मेरे पास ही रहना होगा, मेरी गुलामी करनी होगी। तुम गंदी चुड़ैल हो, तुम मिलाई हो ना मुझे यहाँ पर, तुम वही हो ना जिसने सब बच्चों को रसगुल्ले खिलाए और फिर यहाँ ले आई हो, देखना मेरी मम्मी पापा आएंगे और तुम्हें बहुत मारेंगे। तेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर आई हूँ, इसीलिए तो तेरे सारे दोस्त भी यहाँ पर हैं अभी तक, क्योंकि इनके माँ बाप को नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। बेटा रो मत, पापा यही हैं, तुझे बचा लेंगे। चुड़ैल गुस्से में ऋषभ की बात सुनकर उस पर हमला करती ही है कि विक्रम एक पत्थर उठाकर चुड़ैल को मारता है। तभी वो चुड़ैल कहती है, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझ पर हमला किया और यहाँ आने की गुस्ताखी की, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। चुड़ैल हमला करती है कि तब तक मोहिनी गांव वालों को ले आती है और सभी गांव वाले मिलकर पत्थरों से उस चुड़ैल को मारने लगते हैं। चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो गांव वाले लोगों में से दो जनों को बहुत बेरहमी के साथ हाथ पैर अलग करके किसी की गर्दन काट कर उसे मार डालती है और कहती है, अगर अब किसी ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उसे इसी तरह मार डालूंगी और सारे बच्चों को भी जिंदा जला दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मत मारो हमारे बच्चों को, मत मारो, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें छोड़ दो, बख्श दो। गांव वाले चुड़ैल का खौफ देखकर डर जाते हैं और अपने बच्चों के लिए चुप हो जाते हैं। तभी विक्रम मोहिनी को बोलता है, मोहिनी हमें सभी बच्चों को अभी खोलकर बाहर निकालना होगा, मैं इसे अपनी बातों में फंसाता हूँ और जब तुम निकाल लोगी तो हम उसे मार डालेंगे, ठीक है? जी ठीक है। विक्रम की बात सुनकर मोहिनी बिल्कुल वैसा ही करती है, गांव वालों की मदद से बच्चों को उस गुफा में से छुपाकर बाहर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर विक्रम अपनी बातों में लगाते हुए बोलता है, देखो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए बच्चों को छोड़ दो और इस गांव से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तूने मुझे ऐसी वैसी चुड़ैल समझा है, चुड़ैलों की चुड़ैल हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे क्या हासिल होगा ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना तुझे साबुत निकल जाऊंगी।
विक्रम चुड़ैल को उलझाकर उस पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं राख हो जाती है। बच्चे उसके जादू से आजाद हो जाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए गांव वालों को छोड़कर चली जाती है। बहु का मंगलसूत्र। शीतल अपने बेटे रंजीत की शादी स्वरा से करवा कर स्वरा को अपने घर ले आती है। अरे वाह, देखो तो सही कितनी सुंदर है मेरी बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। जा बहू, अब तू अपने पति रंजीत के कमरे में जाकर आराम कर ले। रंजीत अपनी पत्नी स्वरा को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद शीतल एक गिलास में केसर वाला दूध लाकर रंजीत को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, सोने से पहले एक गिलास दूध पी लेना, और हाँ, मेरी बहू का अच्छे से ख्याल भी रखना। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद स्वरा और रंजीत भी अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, स्वरा नींद से जागती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। ओहो, ये शादी भी कैसी चीज है, शादी के बाद चूड़ियां भी पहनो, गले में हार भी पहनो, और फिर ये मंगलसूत्र। अरे कितना भारी मंगलसूत्र है, थोड़ी देर के लिए इसे उतार देती हूँ। स्वरा अपना मंगलसूत्र उतार कर रसोई में रख देती है, जिसके बाद वो आराम से खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से उसकी सास शीतल वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बहू स्वरा को नाश्ता बनाते हुए देख उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम तो समय से ही उठकर नाश्ता बनाने में लग गई, बस यही चाहिए था मुझे अपनी बहू में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगी और घर की सभी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं नाश्ते की टेबल पर सभी को बुला लेती हूँ। जैसे ही शीतल रसोई से बाहर जाने वाली होती है, उसकी नजर स्वरा के उतारे हुए मंगलसूत्र पर पड़ जाती है। अरे बहू, ये क्या, तुमने अपना मंगलसूत्र अपने गले से उतार दिया? अरे माँ जी, गर्मी बहुत लग रही थी और मुझे इतना भारी मंगलसूत्र पहना नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इसे उतार कर रख दिया। देखो बहू, गर्मी के कारण मंगलसूत्र को उतारा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगलसूत्र को कभी भी अपने सीने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी रूह हमारे पतियों से जुड़ी होती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं काम खत्म होते ही अपना मंगलसूत्र पहन लूंगी। स्वरा की ये बात सुनकर शीतल नाश्ते की टेबल पर अपने बेटे रंजीत और अपने पति उमेश को बुला लेती है। कुछ ही देर में स्वरा भी नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। अरे वाह बहू, खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो खाना शुरू करते हैं। सभी नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाया, और ये खीर तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सभी अच्छे से नाश्ता करके अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, जिसके बाद स्वरा घर का काम करना शुरू कर देती है। घर का काम करते करते वो फिर से अपने गले से मंगलसूत्र उतारती है और उसे टेबल पर रख देती है। ऐसे ही वो दिन भर मंगलसूत्र को कभी उतारती तो कभी पहनती। ये सब देख शीतल स्वरा को समझाने के लिए उसके पास आती है। अरे बहू, मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था, अपने मंगलसूत्र को अपने गले से अलग मत करना। तुम जानती नहीं हो, एक औरत का मंगलसूत्र तभी उसके गले से उतरता है जब उसका सुहाग उजड़ जाता है। अरे माँ जी, आप भी कितने पुराने ख्यालों की बातें करती हो, भला इस जमाने में ऐसा कुछ होता है क्या? आप चिंता मत करो, मेरे पति रंजीत को कुछ नहीं होगा, मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता। बहू, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है, तू उसकी करनी को बदल नहीं सकती, इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। अच्छा माँ जी, लो पहन लिया मंगलसूत्र, अब तो ठीक है। बहू, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, इस मंगलसूत्र की अहमियत को समझो। स्वरा अपनी सास शीतल की बातें सुनने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद शाम को जैसे ही स्वरा की नींद खुलती है, वो खुद से कहती है, अरे ये क्या, आज तो मैं काफी देर तक सोती रही, जल्दी से नहाकर शाम का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। स्वरा नहाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में रंजीत भी ऑफिस से आ जाता है और वो अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जैसे ही रंजीत बाथरूम में जाता है, वहाँ नल के ऊपर स्वरा का मंगलसूत्र टंगा हुआ देखता है। अरे ये क्या, स्वरा अपना मंगलसूत्र यहीं भूल गई, कोई बात नहीं, आज मैं ही उसे उसका मंगलसूत्र पहना देता हूँ। रंजीत मंगलसूत्र ले जाकर रसोई में स्वरा के गले में पहनाने लगता है। तभी शीतल रसोई में पहुंच जाती है और ये सब देखकर कहती है, देखा, इतनी बार समझाने के बाद भी तेरी पत्नी को मेरी कोई बात समझ नहीं आती। अरे मंगलसूत्र गले में पहनने की चीज है ना, कि उसे बार बार उतार कर यहाँ वहाँ फेंकने की। रंजीत, मैं तो इसे समझा समझा कर पागल हो गई हूँ, अब तू ही समझा। इतना कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है
जिसके बाद रंजीत अपनी पत्नी स्वरा से कहता है, अरे मेरी जान, अगर माँ मंगलसूत्र उतारने के लिए मना करती है तो इसे अपने गले से मत उतारा करो। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही वो कहती है। हाँ हाँ, अब तुम भी अपनी माँ के पक्ष में ही बोलो। अरे मुझे जब पहनना होगा मैं पहन लूंगी, इन सब दिखावे वाली चीजों से कुछ नहीं होता। रंजीत स्वरा को मंगलसूत्र पहना कर नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी लोग नाश्ता करके वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और स्वरा की आदत ठीक नहीं होती। वो हर रोज कभी कहीं तो कभी कहीं मंगलसूत्र उतार कर डाल देती। एक दिन शीतल मंदिर से घर की तरफ लौट रही थी कि तभी उसकी नजर उसके घर के बाहर पड़े कूड़े पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस कूड़े के अंदर क्या चमक रहा है? जैसे ही शीतल कूड़ा हटाकर देखती है, शीतल को कूड़े के अंदर स्वरा का मंगलसूत्र दिखाई देता है, जिसे देखते ही शीतल बहुत आग बबूला हो जाती है और गुस्से से मंगलसूत्र उठाकर स्वरा के पास जाती है। स्वरा, स्वरा कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में डाला करो, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने इतनी महत्वपूर्ण चीज को कूड़े में डाल दिया, ये तुम कैसे कर सकती हो? अरे माँ जी, गलती से सफाई करते करते कूड़े में चला गया होगा, ये मैंने जानबूझकर नहीं डाला। देख बहू, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। इस मंगलसूत्र को आइंदा अगर अपने गले से उतारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? देखिए, मैं रंजीत की कंस्ट्रक्शन साइट से बात कर रहा हूँ। दरअसल एक हादसे में रंजीत जी बिल्डिंग से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लाश हॉस्पिटल गई है, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाइए। ये सुनते ही शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अरे माँ जी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? शीतल के हाथ पैर कंपकपाने लगते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से बोलती है, रंजीत कंस्ट्रक्शन साइट पर था और अचानक से बिल्डिंग से नीचे गिर गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही स्वरा फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से रंजीत की लाश को घर ले आती है। चारों तरफ मातम का माहौल था और सभी की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वरा पत्थर की मूरत की तरह केवल रंजीत की लाश को निहारती रहती है। तभी शीतल उसके पास आती है। अरे अब क्या इस मंगलसूत्र को लेकर बैठी है, जा फेंक दे इसे, तुझे तो वैसे भी इसकी कद्र नहीं थी, देख लिया ना तूने मेरी बात ना मानने का नतीजा, आज तेरी ही वजह से मेरे बेटे की ये हालत है। अगर एक मंगलसूत्र में इतनी ही ताकत होती है तो मैं आज इस मंगलसूत्र की ताकत देखना चाहती हूँ। अगर आज इसे पहनने के बाद मेरा पति जिंदा खड़ा हुआ तो मैं मरते दम तक इसे अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी। जैसे ही स्वरा मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है, उसके पति की सांसें चलने लगती है और वो अपनी आंखें खोल देता है। ये सब देखकर स्वरा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो तुरंत अपने पति को गले से लगाकर कहती है, आज मुझे एक मंगलसूत्र की शक्ति और उसकी अहमियत पता चल गई। अब जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर से अलग नहीं होंगे, मैं इस मंगलसूत्र को अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी। उस दिन के बाद से स्वरा अपने मंगलसूत्र को अपने सीने से कभी नहीं अलग करती और हमेशा उसे अपने गले में पहनकर रखती है।